भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। 9 में से 9 सभी मैच जीत लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती मुकाबलों को जीतने वाली टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को हराकर लीग स्टेज में अपने अभियान का अंत किया है। इस मैच में रोहित ने 54 गेंद पर 61 रन की तेज पारी खेली। रोहित की इस धुआंधार बैटिंग अप्रोच से वसीम अकरम काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी शो के दौरान कहा, मुझे नहीं लगता कि इस समय रोहित जैसा कोई भी प्लेयर दुनिया में है। हम विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और बाबर आजम की बात करते हैं, लेकिन रोहित सबसे अलग है। वो बैटिंग को आसान बना देते हैं। कोई भी बॉलिंग अटैक हो या कोई भी सिचुएशन हो, रोहित बड़े आराम से अपने शॉट मारते हैं। रोहित शर्मा आते ही गेम का टेम्पो चेंज कर देते हैं। वहीं अकरम के अलावा पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक ने भी रोहित शर्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा, रोहित ऐसे बैटर हैं कि 5 बॉलर जो विपक्षी टीम में होते हैं वह सभी 5ों को पीटते हैं। वसीम भाई ने जो बाकी नाम लिए वो 5ों को नहीं मारते, वो 3 को मारते हैं, 6ठे और 7वें को मारते हैं। वो इस तरह से बॉलर्स की कुटाई करते हैं जैसे कभी स्कूल में किसी सब्जेक्ट के टीचर पीटा करते थे। रोहित की बात करें तो उन्होंने इस विश्व कप में, 2023 विश्व कप की बात कर रहे हैं हम, 9 मुकाबलों में 55.88 की औसत से 503 रन कूट दिए हैं। इस दौरान स्ट्राइक रेट भी 121.49 का रहा है। फैंस को उम्मीद है कि रोहित आने वाले मुकाबलों में भी इसी तरह से बल्लेबाजी करेंगे। अब अगर हम आपको बताएं भारत नीदरलैंड्स मुकाबले में क्या हुआ, तो आपको बता दें टीम इंडिया ने इस मैच को 160 रन से जीत लिया। 12 नवंबर को खेले गए मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की, 4 विकेट खोकर 410 रन बनाए। इसके जवाब में नीदरलैंड्स की पूरी टीम सिर्फ 250 रन पर सिमट गई और भारत इस मुकाबले को आसानी से जीतकर सेमीफाइनल के लिए जा रहा है। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी रविराज ने। साथ ही अगर आप क्रिकेट विश्व कप से जुड़े और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को देखते रहिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया। आई लव यू भाई, क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सर सवाल क्या था? सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। ए बेटा आदिल एक बात सुन, ये ललन टॉप का इवेंट है तो ललन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बगैती, स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। अरे बड़ो चुपचाप, तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, उन्होंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जा। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है ललन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।